अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद हो कि आप सब अच्छे हो। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें अगर आप एक्ट्रोस गाड़ी कोई सी भी चला रहे हो, जैसे कि MP1, MP2, MP3, ठीक है, तो इनमें सेम प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ में MP1, MP2, MP3 गाड़ी है, तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो उन लोगों को नहीं पता होता इसका क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो हम बात करने वाले एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही यानी कि आप खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होता तो आप दुकान पर जाकर भी करा सकते हो, लेकिन कहीं पर रोड के ऊपर में तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर एक सोल्यूशन आपको बताने वाला हो जिसके वजह से आप उसको ऐसी जगह लेकर के जा सकते हो या उसको चला भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर आपकी गाड़ी खड़ी है, आपने सुबह यानी रात को खड़ी किया, सो गए, सोने के बाद सुबह स्टार्ट किया, स्टार्ट करके आपने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, उसके 2-3 मिनट बाद गाड़ी आपके ऑटोमेटिकली धुआं यानी कि धुआं मारते हुए बंद हो गई। कोई भी गाड़ी हो, एक्ट्रोस गाड़ी हो, जैसे कि MP1, MP2, MP3, धुआं मारते हुए या बिना धुआं मारते हुए भी आपकी गाड़ी अगर बंद हो जा रही है, ठीक है, फिर से आप स्टार्ट करो तो फिर स्टार्ट होती है, लेकिन वही कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद आपकी फिर से गाड़ी बंद हो जाती है। सेम प्रॉब्लम आपकी बार बार कर रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली बेस कोई ना कोई ऐसे टॉपिक लाता रहता हूँ जिसको आपको बिल्कुल फ्री में मैं आपको 100% बताता हूँ, जिसमें 100% बिल्कुल वर्क करता है। ये नहीं कि आपको मैं बिना मतलब के या बिना जरूरत की चीज़ें बताता रहता हूँ। आपने देखा होगा FR गोला एक YouTube चैनल है जो कंप्यूटर से बताता है आपको कि भाई ये तरीका है, ये करना है, इससे आपको हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, अगर आप उसको फ़ोन करते हो और आपसे आप उससे पूछते हो कि भाई ये काम मैं कैसे करूँ, तो वो लोगों से चार्ज भी करता है कि भाई इसका इतना चार्ज होगा और मैं आपको बताऊंगा ये काम आप कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं मांगता, सिर्फ आपको बोलता हूँ एक लाइक कर देना वीडियो को, प्लीज़ एक प्यार सा कमेंट कर देना। यही मेरा एक टॉपिक होता है कि चलो भाई आपके थ्रू यहाँ पर मेरा जो चैनल है मोनिटाइज हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको करने का, जैसे कि एग्जाम्पल तौर आपने सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी का प्रेशर 0 था। ठीक है, जैसे आपका प्रेशर 6 तक गया, 6 तक जाने के बाद जब आपका जो बल्ब होते हैं उनमें जब हवा जानी स्टार्ट होती है, तो उसी वक्त आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। आपको लगता है यार गाड़ी क्यों बंद होगी, हवा से तो कोई मतलब नहीं गाड़ी का बंद होने का, लेकिन हवा का मतलब है। अगर आपका जो स्टॉपर वाला बल्ब है, आपको मालूम है जब गाड़ी को आप डाउनिंग में उतारते हो तो वहाँ पर स्टॉपर लगाते हो, वो बल्ब अगर आपका डायरेक्ट हो जाए, तो डायरेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट होने के बाद जो आपका हेड के ऊपर में जो हवा जाती है वो डायरेक्टली हो जाती है, यानी बिना कुछ किए भी आपका जो हेड के ऊपर में हवा चली जाती है और हेड को क्या करता है, जैसे हेड का जो पिस्टन है, पिस्टन को वो ब्लॉक कर देती है हवा, और ब्लॉक होने के बाद आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाती है। तो आपको सिंपल करना है क्या है, उसको यानी कि जो MP3 गाड़ी है, तो MP3 गाड़ी के ऊपर में जो कछुआ होता है, ऊपर जो ऊपर का जो कवर होता है उसके बराबर में एक छोटा बल्ब लगता है, तो इसमें एक मेन पाइप आया 17 नंबर का, उसको खोल करके आप रोड के ऊपर हो तो कोई छोटा बोल्ट, कोई छोटा पेच इस तरह से डाल करके और उसमें कोई टेप या इस तरह कुछ चीज़ें लगा करके उसको ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, जिससे उसके अंदर हवा ना जाए। उसके बाद आप गाड़ी कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं खुद से भी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। MP2 गाड़ी है या MP1 गाड़ी है, उन लोगों को क्या करना होगा, जो MP जो आपके हेड गैस्केट हेड होता है, हेड के ऊपर में देखना है कि जलेबी के टाइप यानी सांप के टाइप का एक पाइप होता है 17 नंबर का, उसमें एक एक बोल्ट लगा होता है 3 हेड के ऊपर में, और वहाँ पर एक बोल्ट को क्या करना है आपको खोलना है, जो आपका 17 नंबर का नट के जैसा होता है वो खोलना है। ठीक, खोलने के बाद उसको भी क्या करना है आपको ब्लॉक करना है, यानी कि उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, इधर भी करना है और दूसरी साइड में भी करना है, क्योंकि इसमें दोनों साइड में आपको ये बंद करना होगा। और आप जैसे बंद कर दोगे तो आपकी क्या होगा, गाड़ी 100% सही हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है क्या नाम है स्टॉपर की, तो उसको जाकर के आप चेंज करा सकते हैं दुकान पर भी, अगर नहीं कराते तो आपकी मर्जी है, वो चला भी सकते हैं। ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आज कितना लाइक मिलता है इस वीडियो के ऊपर।